नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। जी हां, अब जहां पर डीकेएस हॉस्पिटल घोटाला और सीजीएमएससी घोटाला और पशु चिकित्सा घोटाला के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ट्रांसफर और प्रमोशन के मामले में भी घिर गया है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के इस गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से रायपुर सीएमएचओ की कुर्सी पर दो अधिकारी पदस्थ हैं, जिसके कारण पिछले तीन दिनों से विभागीय कार्य पूर्ण रूप से ठप है। दो दो अधिकारी होने के बावजूद फाइलों में हस्ताक्षर नहीं हो रहे, तो वहीं अपने ही आदेश पर फंसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने पद पर पहुंचे डॉक्टर के आर सोनवानी ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अपना कार्य दायित्व मांगा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आदेश अनुसार वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने भी स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है और अपने कार्य का दायित्व देने की मांग की है। मैंने शासन के दिशानुसार मेरा जिला चिकित्सालय में हुआ था, मैंने जाके ज्वाइन किया। अब वो मैं थोड़ा इस बात पे असहमत था, मैंने अपने मामला अपने कोर्ट में ले गया। कोर्ट ने कहा कि आप सीएमएचओ बने रहो करके मैं आ गया। बस वही नहीं, प्रभार अभी मिला नहीं है मैडम। नहीं, सबको दे दिया, मैं सचिव मैडम को दे दिया हूँ, डायरेक्टर को, कलेक्टर, सभी को मैं नियमानुसार सबको ऑर्डर दे दिया। कल से मैं दिया हूँ, कल मैं सुबह ज्वाइन किया हूँ, सुबह सबको लेटर तुरंत दे दिया हूँ। वहीं डॉक्टर मीरा बघेल ने भी बताया कि जो फाइल पेंडिंग है वो खास फाइलें नहीं हैं। साथ ही पदभार देने की बात को लेकर कहा कि इसके लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को लेटर लिखा है, जैसे ही वहां से आदेश आएगा उसके अनुसार डॉक्टर के आर सोनवानी को पदभार दे दिया जाएगा। अब देखो, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमको शासन जो आदेश देगा, जहां काम करने का आदेश देगा, हम वहाँ काम करेंगे। जैसा आदेश शासन का होगा हम वैसे ही काम करेंगे। मैंने अपने लिए निर्देश मांगा है कि भाई कोर्ट का आदेश है, डॉक्टर सोनवानी ने कोर्ट से और आदेश लेके आए हैं कि उनका ट्रांसफर अभी निरस्त हो रहा है या फिर आगामी कोर्ट की सुनवाई तक के उसको निरस्त माना जाए, तो मैंने आदेश अपने लिए निर्देश मांगा है कि मेरे लिए जो भी निर्देश होगा वो दीजिए, तो मैं उस तरह से काम करूंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने तंज कसते हुए कहा है कि अब सरकार चलाना कांग्रेस की बस की बात नहीं है, और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां ट्रांसफर और प्रमोशन का खेल सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, सरकार सिर्फ ट्रांसफर प्रमोशन में लगी हुई है। दो दो बार छः छः महीने में ट्रांसफर होता है, फिर वो पोस्टिंग देते हैं, सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। और ये तो दुर्भाग्यजनक है, स्वास्थ्य विभाग में दो दो सीएमओ अगर आके बैठ जाए तो आखिर जनता किससे मिलेगी, जनता को राहत किससे मिलेगी। और जूनियर अधिकारियों को अचानक प्रमोट करके बिठा देते हैं सीएमओ के पद पर, कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोरी की। और आपको बता दें, अब एक सीएमएचओ की कुर्सी के लिए दो दो यहां सीएमएचओ अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन इस सीएमएचओ के कुर्सी पर बैठेगा, कौन ये पद छोड़ेगा और इसका ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सोनवानी जी ने जो हाई कोर्ट का स्टे ले लिया है और स्टे होने के बाद वो उनका ट्रांसफर है उस पर स्टे लग गया है, तो यानी कि अब वो सीएमएचओ के पदभार पर ही रहेंगे, लेकिन जहां पर वर्तमान सीएचओ है अब उनका ट्रांसफर कहां किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं, श्रीमती मीरा बघेल जो है, उन्होंने साफ कहा कि हम अब इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन हमें आदेश दे, इसके बाद हमें जहां भी पदस्थ किया जाता है वहां पर जाकर कार्य करेंगे और हम सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो इस तरीके से अगर जो भी हमें अनुमति दी जाएगी हम उसे पूरा करेंगे। तो इसे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कहेंगे, जिसकी वजह से यहां पर यह हालात बने हुए हैं।
आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीरा बघेल, सीएमएचओ हैं, और डॉक्टर के आर सोनवानी जी हैं, ये भी सीएमएचओ हैं, और ममता शर्मा जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें तो आदेश का अनुसार है कि इंतजार है कि अगर जो भी अनुमान जो फरमान सुनाया जाएगा मैं उसे पूरा करूंगी, लेकिन ये हालात बने क्यों? क्योंकि एक तरफ आपकी नियुक्ति कर दी जाती है, आप पदभार ग्रहण कर लेती हैं, उसके बाद स्टे लग जाता, सोनवानी जी भी आ जाते हैं और कहा जाता है इसके कारण काम सफर कर रहा है दो सीएमएचओ की, आखिर कौन सीएमएचओ कौन सीएमएचओ, और इसके चक्कर में फाइलें भी लटकी जिन्हें आपने कहा कि वो जरूरी फाइलें नहीं है। ऐसी बात नहीं है, फाइलें तो बकायदा साइन हुई है, कल रात के 9 बजे तक के साइन हुई है फाइल। तो आखिर पिछले जितने भी पेंडिंग फाइल थे कल रात को मैंने साइन किए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना चल रही है तो मेरी ये भी ड्यूटी बनती है कि मैं जब तक ये हॉस्पिटल खुले हैं, क्लिनिक खुले हैं, तो मैं जाके उनका विजिट करूं, वहां पे कोई कमी हो तो उसको दूर करूं। तो मैं फर्स्ट हाफ में कल भी गई थी, आज भी मैं आधे दिन अपने फील्ड का दौरा की, और कल भी मैंने आके सारी फाइलें निपटाई, और आज भी आके मैंने सारी फाइलें, ऐसी कोई फाइल पेंडिंग नहीं है जिसकी वजह से कार्य, कोई भी कार्य में रुकावट हुई हो। चलिए ठीक है। ममता जी, जिस तरीके से पूरा मामला तो संज्ञान में आ गया होगा, जिस तरीके से चल रहा स्वास्थ्य विभाग के अंदर लगातार, वैसे सुर्खियों में स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है और इस बार ये मामला और आ गया, जो कि हालांकि मामला ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति जो बन गई है वो थोड़ा सा हास्यास्पद और ये कहा जा सकता है कि गंभीर वाली है कि आखिर कौन बैठेगा कौन बनेगा। एक न्यायालय का आदेश लेकर पहुंचे हैं तो एक शासन के आदेश पर वहां बैठे हुए हैं। देखिए दीपक जी, यहाँ पे एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी मैं मानूंगी कि लापरवाही या तो जानबूझकर के की गई एक नियत दिखाई देती है। पहली बात सोनवानी जी की भी यहाँ पे जो मुझे समझ में आती है कि अगर उनको जिला चिकित्सालय में आर्थोपेडिक के पद में भेजा गया और उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी, यानी कि वो स्वीकृति अपनी दे दी कि मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था सीएमएचओ का पद और तब वो उसको चैलेंज करते। दूसरी बात जो मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर को देख रही थी कि उन्होंने ट्रांसफर रूल्स को उन्होंने चैलेंज किया है ना, कि मतलब इतना जल्दी जल्दी उसको दो बार ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, जो नियम है उसके विपरीत जाकर के ट्रांसफर करना पाया गया, और इसी चीज पे जो कोर्ट ने इनको ये किया है कि वो उस पद पे बने रहेंगे। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक, जिनकी कसावट उनके हाथ में है कि क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको कैसे फॉलो करना है, उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, किस व्यक्ति अधिकारी की कहाँ पे जो ट्रांसफर रूल है वो क्या बोलता है, उसकी नियुक्ति क्या बोलती है, ऑफिस गाइडलाइन क्या बोलता है, ये सारी चीजों को फॉलो करना तो उनका काम है ना भाई। ये तो अधिकारी है, इनको जहाँ ट्रांसफर करेगा वो बैठेंगे, लेकिन नियम तक गलत हो रहा है तो उसको भी वो चैलेंज करने का अधिकार उनका है, और जो सुनवानी जी ने किया है और मीरा जी ने एक अपने शासकीय आदेश का पालन किया कि उनको अगर यहाँ बैठाया गया कि भाई आप, हाँ, रायपुर जिले के आप स्वास्थ्य अधिकारी है सीएचएमओ, तो उन्होंने पद भार ग्रहण किया, लेकिन दो एक जैसे पद के अधिकारियों को आमने सामने कर देना, ये कहीं ना कहीं एक हमारे सिस्टम की जो है वो खामियां है, उनके इस तरह की एक बोलना चाहिए ये भेद चढ़ रहा है कि उनकी जो कार्यशैली है जिस ढंग से होनी चाहिए, जो जिस कसावट के साथ होनी चाहिए, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती, और इसी लापरवाही का या जानबूझ करके वैमनस्तावश उनका जो सुनवानी जी का ट्रांसफर है उसको लेकर के मैं बात करूंगी कि यही चीजों को सुनवानी जी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि जो ट्रांसफर नीति है उसका इन लोगों ने उल्लंघन किया, और यहाँ पर उसी बात को उन्होंने स्टैंड किया। जी जैसा कि कहा भी, ये भी जा रहा है कि सोनवानी जी के ट्रांसफर के पीछे कुछ बन नहीं रही थी उनकी सचिव से और थोड़ा सा आयुक्त से, तो उस वजह से उनका ट्रांसफर किया गया, कहाँ तक इसमें सच्चाई हो सकती है, क्या इस वजह से भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उसी को चैलेंज किया, जैसे कि आपने बताया कि ये रूल्स के जो चैलेंज किए, इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफर किसी का नहीं किया जा सकता, तो क्या किसी से अगर मतभेद है किसी भी बड़े अधिकारी से तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सिस्टम का खुला जो नाच है वो सबको दिख रहा है
है ना, ये आप हमसे भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से लोग अपनी पसंद के लोगों को बैठाने के लिए नियम विपरीत जाकर के यहाँ के एक मंत्री है अपनी पत्नी को ही अपना ओएसडी बना लिए, अपने एक ऐसे पसंदीदा व्यक्ति को ओएसडी बना लिए जो नियम विपरीत बिना टेंडर के करोड़ों की खरीदी करता है। तो ये चीजें मतलब ऐसी है कि आपकी ही बदनामी हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं वैमनस्ता सरकारी विभाग में नहीं होता, सरकारी विभाग एक प्रशासनिक स्तर पे उसकी सारी सिस्टम जो नीति रीति डिसाइड होती है कि ये अगर ट्रांसफर है तो इस सिस्टम से होगा, उसका प्रमोशन है तो उसके लिए ये सिस्टम है, किसी का डिमोशन है तो इस सिस्टम के अंतर्गत आनी चाहिए। तो हर चीज का जब एक क्लॉज बना हुआ है, क्राइटेरिया डिसाइडेड है, तो आपको उसको फॉलो करना कंपल्सरी है, शुड बी मस्ट, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप चाहे आयुक्त हो, आप चाहे इसके सेक्रेटरी हो, अगर कुछ ऐसी बातें हो रही है तो यहाँ पर वैमनस्यता और उनसे नहीं पटने वाली बात को दरकिनार कीजिए। नीति क्या बोलती है, वहाँ का सिस्टम क्या बोलता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और हम चूंकि कोर्ट आपके आपसी वैमनस्यता इसको नहीं देखता है, कोर्ट जो है नियम को देखता है, कोर्ट बायलॉज को देखता है। तो जब आपके नियम वहाँ पर गलत ठहरे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं वो कटघरे में आ रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर वर्किंग क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जाहिर है कि वो नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से ट्रांसफर की जो आजकल नीति अपनाई गई है, आजकल ट्रांसफर तो काफी कुछ चल रहा है, चलन में इसका ट्रांसफर वहाँ इसका यहाँ, चलो ठीक है चल रहा है। लेकिन मीरा जी कहा जा रहा है कि आप दोनों क्लासमेट रहे हैं और अब आमने सामने कि भाई कौन रायपुर से सीएमएचओ पद की कुर्सी देगा, कौन बैठेगा, तो इसमें क्या आप सिर्फ इसका इंतजार कर रही हैं कि आपको यहाँ पर बैठा है, क्योंकि आपके साथ भी वही हो जाएगा, एक बार ट्रांसफर हुआ फिर आपके साथ ट्रांसफर, तो देखा जाए आपके साथ भी वही चीज फॉलो हो रही है, कि आप भी फिर जाएंगे हाई कोर्ट? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मैं शासन के हर आदेश को अपने मानूंगी, शासन मुझे जहाँ कार्य करने के लिए आदेश देगा मैं बड़ी खुशी से उसको मानूंगी और मैं वहाँ पे बिल्कुल अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। तो मुझे ऐसे हाईकोर्ट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जहाँ तक के हम लोग क्लासमेट हैं, हम लोगों में आपस में भी किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, और काम की जहाँ तक आप बोल रहे हैं सफर कर रहा है तो किसी भी तरह का कार्य सफर नहीं कर रहा है। सुनवाई अच्छा, वैसे कहा जाता है कि अक्सर जो परफॉर्मेंस को लेकर भी ट्रांसफर होते हैं, कि चलिए मान लेते परफॉर्मेंस को लेकर, तो सीएमएचओ सोनमानी जी के काम से आप कितना प्रभावित हैं कि कहीं काम में लापरवाही की वजह से उन्हें ट्रांसफर उनका तो नहीं किया गया था? देखिए, मैं और सोनवानी जी क्लासमेट हैं, हम दोनों स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके कार्य का आकलन करना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो मैंने कभी उनका कार्य क्षेत्र काम का आकलन किया ही नहीं है। मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि उनका काम सही नहीं था या सही है, जैसा भी है उनका काम जैसा भी रहा हो उसका आकलन किसी और ने किया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सोनमानी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है उसे आप कितना जायज ठहराती हैं? जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही मानती हैं? अपनी लड़ाई लड़ने का नहीं नहीं देखिए अधिकारी के खिलाफ कहने का मुझे कोई हक नहीं है और नहीं मैं कुछ कहूंगी। अधिकारी का काम है आदेश करना, और मैं मेरी अपनी सोच है कि उनका जो भी आदेश है वो हमें पालन करना चाहिए, तो कार्य बहुत सुचारू रूप से चलता है। चलिए ममता जी, मान्यता तो मीरा जी तो कुछ कहने वाली मेरी नहीं, ये सोच है वो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो किसी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ममता जी, जिस तरीके से एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया यहाँ पर और जो एक तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ है, जनता तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है उंगलियां तो उठी रही हैं, तो आखिर इनके जिम्मेदार अधिकारी जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इस खेल में संलिप्त थे, और इसके पीछे की वजह क्या है, क्या पाक वजह थी या नापाक वजह थी, वजह जो भी हो पर गलत हुआ है, इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए, जबकि स्वास्थ्य विभाग पीएस सिंहदेव जी के अंतर्गत आता है और वो ऐसे मंत्री हैं जो तुरंत कार्रवाई करते हैं और अपने पूरे विभाग को बड़ा सतर्क रखते हैं इन सब चीजों से। देखिए, यहाँ पर मैं मंत्री जी के वर्किंग पे कार्यशैली पे कोई भी किसी तरह से मैं क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ और ना ही उनकी वर्किंग मैंने अभी तक खराब देखी है। रही बात यहाँ पर इनके दोनों की, जो जिस ढंग से नियम विपरीत उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो एक अस्थि रोग विशेषज्ञ है सुनवानी जी, और उनकी जरूरत जिला स्वास्थ्य चिकित्सालय में भी है। बात यहाँ पर यही उठ रही है कि
उन्होंने भी जो पहले रिजाइन देकर के अपनी एक मंशा जाहिर की थी राजनीति में आने की, तो एक बात यह है कि या तो आप राजनीति कर लीजिए या तो डॉक्टरी कर लीजिए। तो ये सब भी कारण हो सकते हैं, इंटरनल मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती और न मैं इसमें कोई आरोप लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मानसिकता अगर आपकी राजनीति करने की है तो कुछ राजनीतिक द्वेषवश भी हो सकता है ये चीजें वहां पे डेवलप हुई हो, या फिर अधिकारी इस बीच में बहुत सफर हुए होंगे कि सोनवानी जी अपना रिजाइन देकर के 6 महीने वो चले गए कि मैं इलेक्शन फाइट करूंगा और टिकट नहीं मिलने से फिर वापस वो आ जाते हैं। तो ऐसे सारे जो व्यवहारिक चीजें हैं कहीं ना कहीं सीनियर अथॉरिटी जो है उस बातों को लेकर के भी गंभीर हुए होंगे कि भाई इनको इंटरेस्ट सर्विस में नहीं दिखाई दे रहा है, या तो इनकी वर्किंग वहां पे उतनी प्रॉम्प्ट नहीं दिखी होगी। तो उस चीज को भी लेकर के उन्होंने किया होगा कि भाई आप एक हॉस्पिटल पकड़ के बैठिए, हम इस पोस्ट में किसी दूसरे को लेकर आते हैं जो अपना इंटरेस्ट के साथ में काम करे। मैं भी मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि मैं किसी एक पक्ष को एक तरफा ये नहीं करूंगी ब्लेम, लेकिन हाँ यहाँ पर बात में एक फिर से आ जाती है कि हाईकोर्ट के आदेश की, जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको हाँ सीएमएचओ के पोस्ट में ही बने रहने का उनको दिया हुआ है। तो अब ये शासन का आदेश है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश शासन के आदेश से बड़ा होता है। बिल्कुल, तो आज फिर से अगर शासन ने एक आदेश निकाल दिया और उस पर फिर उन्होंने उनको जिला चिकित्सालय में बने रहने की बात की, तो एक तरह से ये हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का एक कंटेंट बनता है। रायपुर के सीएमएचओ की बात अगर कहीं ट्रांसफर होता है या कहीं और आपको पदस्थ किया जाता है तो खुशी होगी क्या आपको? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि मुझे जो कार्य सौंपा जाएगा मैं उसको करूंगी। मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। मेरी डॉक्टरी कोई नहीं छीन सकता, मेरी जो डिग्री है वो कोई नहीं छीन सकता। जहाँ तक कार्य करना है तो वो काम मैं करूंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि अब जैसे कि आपने कहा मीरा जी जो यहाँ पर है वो हाशिए में चढ़ी हुई है। हाँ, इसीलिए वो बड़ा नपतुराही जवाब दे रही हैं, ये समझ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो असमंजस में है, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं वो बोल सकती है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं जा। हाँ, वो डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती, लेकिन ममता जी चूंकि आप तो जा सकती हैं तो आपसे ही सवाल है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा टिकट का, तो हाँ ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, क्योंकि हो सकता था कि एक मन में आया हो कि जो उनके जाने के बाद काम सफर प्रशासन ने किया हो या फिर उस विभाग के लोगों ने किया हो, तो उसके बाद शायद उससे थोड़ा सा खफा हो, या फिर इसकी वजह ये भी मानी जा सकती है कि उन्होंने सोचा हो कि जब काम सफर किया तो आप यही चीज कर लीजिए, या फिर कुछ देर के लिए लूप लाइन जिसे बोलते हैं उसमें डाल देना जिसे कहा जा सकता है कि उसको किया हो। लेकिन जिस तरीके से अब वो लेके आ गए हैं स्टे, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लगभग शायद 2 या 3 दिन हो गए हैं इस चीज को, लेकिन तो क्या अब तक कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया? प्रशासनिक जो अमला है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ना इस पर। देखिए अभी दीपक जी जो मुझे दिखाई दे रहा है एक इंटरिम ये रिलीफ है सोनवानी जी को, एक ऑर्डर है कि आप वहाँ पर बने रहे, लेकिन इस बीच में प्रशासन जो है शासन जो है उसके पास पर्याप्त समय है कि वो अपना पक्ष रख सकता है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण था, ऑथेंटिक कौन कौन से रीजन थे जिसको लेकर के उन्होंने नियम विपरीत जाकर के इनका ट्रांसफर किया। देखिए एक ये भी बात हो सकती है, रूल्स है ठीक है कि आप 3 साल में 2 बार और 3 बार ऐसे इस तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन प्रावधान में ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही कुछ खामियां उसके कार्य करने के दौरान कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं जिसको लेकर के प्रशासनिक जो है चेहरा या तो वो बचाव की मुद्रा में आ रहा है या तो कमजोर दिखाई दे रहा है या किसी प्रकार से अक्षम दिखाई दे रहा है, तो फिर उस डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट को भी अपना पक्ष रखने का समय है अभी, क्योंकि फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि इनको यहाँ से हटाने के पीछे ठोस क्या कारण थे। कोर्ट क्योंकि उन कारणों को भी सुनेगा, बिल्कुल बिना सुने फाइनल ऑर्डर नहीं करेगा। ममता जी एक थोड़ा सा कड़वा चुभने वाला सवाल, लेकिन चूंकि एक सवाल है तो इसे पूछना बनता है, क्या यही कारण हो सकते हैं, कहीं इसका कारण मीरा बघेल जी तो नहीं थी? देखिए मीरा बघेल जी क्या है, उनकी क्लासमेट है और मैं जितना उनको अभी यही मिली हूँ अभी समझी हूँ तो साइलेंट जोन में है वो। उनको मतलब ऐसा है कि अगर मुझे रखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं और मुझे नहीं भेज भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही बात इनका बघेल एक सरनेम होना पर एक इत्तेफाक है, लेकिन इनका कोई बघेल जी से कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं है, किसी प्रकार से कोई रिलेशन और या पहचान भी नहीं है।
मीरा जी किसी से गिला शिकवा, क्या सोनबानी जी से कोई गिला शिकवा कि ठीक है मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ था और अच्छा भला सब कुछ चल रहा था और वो कोर्ट का स्टे लेकर आ गए? देखिए अपने अपने हक के लिए लड़ना तो उनका सबका हक है, उनको यदि चाहिए तो वो कोर्ट में जाके स्टे ला रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अपनी सोच बता सकती हूँ कि मुझे किसी भी जगह काम करने में कोई एतराज नहीं है। मैं पहले भी थी, मैं वहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी, ये सभी को पता है कि मैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। जहाँ भी मैं रही हूँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो अब फिर जहाँ जाने बोलेंगे, जो काम करने बोलेंगे, मैं फिर अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम करूंगी। बिल्कुल ममता जी, एक बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर ये सवाल है कि इस तरह की लापरवाही अगर आगे से भी बरती गई, क्योंकि ट्रांसफर को लेकर सरकार घिरी हुई है, विपक्ष लगातार इस तरीके का आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर का खेल चल रहा है, लेकिन इस तरीके के, हालांकि इसमें कोई खेल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके की लापरवाही अगर बरती जाती तो जाहिर सी बात है कि उंगलियां सरकार पर भी उठती हैं। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अभी जो जिस तरह से यहाँ पे हालात निर्मित हो रहे हैं वो वाकई में जनता को दिखता है। जो दिखता है वो सही है गलत है, जनता इस बात को भी समझती है, जानती है, और उसमें वो क्वेश्चन करने के लिए उसको लिबर्टी मिली हुई है। जैसे कि ये ट्रांसफर वाला एक मसला यहाँ पर आया है, इसके पहले जो विवादित एक अधिकारी कटरे जी को लेकर के था कि जब उसको लिप्त पाया गया, अनियमितता पाई गई, आर्थिक अनियमितता पाई गई, उसके बाद उनको बाहर किया गया, फिर से उस व्यक्ति को बैठाल देना उस सिस्टम का मुखिया बना करके, ये क्वेश्चनेबल है। उसी प्रकार से अभी जो 108 के लिए टेंडर हुआ है, जब आप वहाँ पर करीब 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ का टर्नओवर की बात करते हो, निविदा आमंत्रित हो चुकी है, इश्तिहार जारी हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, और उसके बाद फिर आप बोलते हो कि 6,000 टर्नओवर, और आप ऐसी कंपनी को ले जाकर के जो ब्लैक लिस्टेड है महाराष्ट्र जैसे, इसमें आप उसको ये टेंडर दे देते हैं, रेलवे का उन्होंने कुछ काम लिया था, तो ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट दिखाई देती है। आप मंत्री हो, डायरेक्टर हो, आप मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, ये मायने नहीं रखता। आपकी मंशा अगर जानकारी में आ गई आपकी गलतियां, तो सुधारने की होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करने की होनी चाहिए। बिल्कुल, और अगर सब जानती है और सब समझ भी रही है कि आखिर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। बिल्कुल, चलिए मीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ममता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं स्पष्ट बोलने के लिए जानी जाती हूँ, और स्पष्ट बहुत कड़वा होता है। मैं किसी की भी तारीफ नहीं कर सकती, मैं पहले भी विपक्ष में थी जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 साल थी, और मैं आज भी विपक्ष में हूँ। चलिए आपने बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ममता आपने बोला, तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।